बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये सत्संग गुरु की महिमा और श्री गुरु मूरत, गुरु महाराज जी की जो पवित्र मूरत हम लेकर आते हैं दरबार से, उसके महत्व पर है। हमें से बहुत से लोग कई बार अपने घर में अपने प्रभु को विराजमान करते हैं, गुरु महाराज जी की मूरत को विराजमान करते हैं, लेकिन ये अच्छे से नहीं जानते कि गुरुदेव की ये जो मूरत है, इस मूरत में प्रभु आप विराजमान होकर हमारे घर आए हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने एक बार फरमाया कि जो मूरत आप दरबार से लेकर आते हो, उस मूरत में हम खुद विराजमान होकर आते हैं, आपके घर आते हैं। तो मूरत में हम अपने सद्गुरुदेव जी के दर्शन करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने इसका जो महत्व है, एक बहुत ही प्यारी लीला के द्वारा हम सबके आगे रखा, हम सबको समझाया। हमारे करुणामयी सरकार 1994 में श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी हरिद्वार में कृपा फरमाई। उस समय वहां पर आश्रम नहीं था, वहां पर छोटी सी कोई जगह लेकर रेंट पर कोई धर्मशाला में प्रोग्राम रखा गया और बड़ा प्यारा अरेंजमेंट किया गया। खूब संगत इकट्ठी हुई। श्री गुरुमयी ने बड़े प्यार से पूछा कि कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा कि ये हरिद्वार है। गुरुमयी जी ने फरमाया कि अभी तक ये हरिद्वार था ना, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब ये गुरुद्वार हो गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रभु ये कहकर बड़ा मुस्कुराए। उसी समय में जगह भी शायद ले ली गई। अगर मुझे कोई इसमें गलती हो तो मैं इसमें माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी डेटा याद नहीं है, लेकिन लीला ऐसे ही है। तो प्रभु वहां पर गए। उसके बाद जो है श्री सद्गुरुदेव भगवान गंगा जी का जो मंदिर बना हुआ है, वहां गंगा तट पर गए। तो प्रभु वहां पर श्री कार से उतरे और अपने सुंदर चरणों पर चलते हुए वहां पर गंगा के किनारे पर जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, नीचे स्नान करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो श्री गुरु महाराज जी वहां ऊपर ही खड़े हो गए और बड़ी देर से बड़े प्यार से मुस्कुराकर माँ गंगा के तट पर, मानो माँ गंगा को दर्शन देने के लिए प्रभु आए हैं। तो अब माँ गंगा देख रही हैं कि जिन चरण कमलों से मेरा संसार में आगमन हुआ है, प्रभु के चरण, आज वही साक्षात भगवान नारायण मेरे पास आए हैं और मैं उनके चरण ना छू पाऊं। कहते आप नारायण कला धार जग मह परवरयो, निराकार साकार ज्योत जग मंडल करयो। प्रभु इस जगत में संपूर्ण सुंदरतम अवतार लेकर, साक्षात भगवान नारायण का अवतार जो है, अवतार तो क्या कहा जाए, सच ये है कि जो दूसरे श्लोक में अगर कहूं तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, जग पेखण तुम पेखण हारे, विधि हरि शंभु नचावण हारे। ये संसार एक दृश्य है जिसको तुम देखने वाले हो। भगवान के चरणों में विनती की जा रही है, मेरे सदगुरु जी हस्ती हैं, जो महाहस्ती हैं, उनके लिए ये बिल्कुल उचित बैठता है। जग पेखण तुम पेखण हारे, इस संसार रूपी दृश्य के तुम देखने वाले हो। विधि हरि शंभु न चावन हारे, ब्रह्मा विष्णु और महेश उनको भी, वो भी आपकी उस सर्वोच्च सत्ता के आगे नमन करते हैं। विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेई न जाने अंत तुम्हारा। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी भगवान की सद्गुरु की महिमा नहीं जान सकते, उस परमेश्वर की महिमा नहीं जान सकते। कहते और कोई को जानन हारा, अगर वो नहीं जान सकते तो और हमारे जैसों की तो औकात क्या है। सतगुरु की महिमा महान, इतनी महान महिमा है सतगुरु की। बस नमन करें अपने प्यारे को,
ऐसे करुणा सिंधु जब गंगा माँ के तट पर खड़े हैं, मात गंगा ने देखा कि मेरे कल्याण के लिए मेरे प्रभु मेरे दर पर आए हैं, मेरे पास आए हैं और मैं उनके चरण ना छू सकूं। वो देखते ही उनके दीदार हुए हैं और कहते मात गंगा का जो पानी है ऐसे जोर जोर से हिलोरे ले रहा है। एक तेज लहर जो है मात गंगा ने भेजी और मानो वो गुरुदेव के चरण कमलों को छूने के लिए ऊपर बड़ी तेज थी वो, तो चार पांच सीढ़ी ऊपर तक पानी चलाया। हालांकि इतनी तेज लहरें होती नहीं है वहां पर, तो बड़ा शांत था, लेकिन प्रभु 8-10 सीढ़ियां ऊपर खड़े थे। तो मात गंगा के ने पहला प्रयास किया, विफल रहा, दूसरा प्रयास किया और बड़ी तेज लहर प्रभु के चरण कमलों को छूने के लिए, तब भी नहीं पहुंच पाए। तीन बार जब ऐसा किया और प्रभु के चरण तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर महात्मा जन साथ में जो थे सेवक, उन्होंने विनती करी कि प्रभु कृपा कीजिए, मात गंगा आपके चरण कमलों को छूना चाहती है, उनको दर्शन दीजिए प्रभु, थोड़ा सा नीचे उतर जाइए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपनी चरण पादुकाएं जो चरणों में पहनी हुई थी उन्हें उतारा और नीचे उतर आए। चार पांच सीढ़ियां नीचे उतरे धीरे धीरे करके। मात गंगा ने अब की बार जो लहर भेजी तो बड़े प्यार से प्रभु के सुंदर चरण कमलों को तक जो आकर और छुआ माँ गंगा ने, और बड़े प्यार से एकदम शांत हो गए। आसपास के लोग ये नजारा देख रहे थे कि मात गंगा का जो पानी है वो इतना शांत था, इनके आते ही कैसे उछाले लेने लग रही है, हो क्या रहा है। और फिर प्रभु ने जैसे ही अपने चरण कमल छुआए उसके बाद एकदम शांत हो गया। गंगा का जल मानो पवित्र हो गए। वाणी में लिखा है, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी ऊधम करे साधु की ताई। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी ऊधम करे, प्रयास करती हैं, एफर्ट लगाती हैं। ये गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी जैसी जो महानदियां हैं, ये पवित्र नदियां हैं, ये क्या प्रयास करती हैं कि हमें किसी महापुरुष के संतों के दर्शन हो, जिनके चरण कमलों को छूकर हम अपने आप को पावन कर सकें। कहते हैं किलबिख मैल भरे परे हमरे विच, किलबिख मैल भरे, किलबिख का मतलब होता है पाप, कि हमारे भीतर जो लोग अपने पाप छोड़ जाते हैं, किलबिख मैल भरे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूल गवाई, हमारी मैल साधु की धूल गवाई। ऐसे जो महापुरुष हमारे पास आते हैं उनके चरण कमलों को छूकर हम पवित्र हो जाते हैं, हम में दुनिया आकर पवित्र होती है और हम ऐसे महापुरुषों के चरणों के साथ जुड़कर पवित्र हो जाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मात गंगा ने प्रभु के सुंदर चरणों को छुआ और शांत हो गए। सभी महात्मा जनों ने जय जयकार करी, प्रभु को बहुत बहुत शुक्राना किया। जोर जोर से गंगा का जो तट है हरिद्वार में वो प्रभु के जयकारों से गूंज उठा। प्रभु मुस्कुराए और चुपचाप ऊपर जाकर खड़े हो गए, मानो कुछ भी हुआ ही नहीं है। तो अब संत जनों ने जो साथ में महात्मा जन गए हुए थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब आपके पावन चरण इस जल में पड़ गए हैं, अब अगर आप आज्ञा दें तो हम सब जो है इस जल में स्नान कर लें। गुरुदेव ने कहा ठीक है, जरूर जाओ। सभी संत जन जो साथ में होते थे सेवक जो है वो स्नान के लिए चले गए। अब गुरुदेव वहां पर अपनी सुंदर सी चेयर लगाकर वहां पर विराजमान है, बैठे। अब वहां पर ये सारा जो नजारा हुआ एक पंडित जी खड़े हुए देख रहे हैं, अभी देख रहे थे कि अभी अभी मात गंगा का जो पानी है वो कितना शांत था, फिर ये किनारे पर पहुंचे और फिर एकदम से उछाले लेने लगा, फिर इन्होंने अपने चरण कमल वहां पर लगाए, उसके बाद सब शांत हो गया और उसके बाद इनके साथ जो संत जन आए थे वो सब स्नान करने गए। ये पंडित जी दूर खड़े देख रहे हैं गुरुदेव के आगे, बड़े प्यार से निहार रहे हैं इनकी सुंदर मूरत को, कि आज तक लोग इस जगह पर अपने आप को पवित्र करने के लिए आते हैं, अपने आप को खुद को पवित्र करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े साधुओं को संतों को यहाँ पर आते देखा है, वो सब आकर स्नान करते हैं,
और अपने पाप धोकर जाते हैं। ये कौन महापुरुष आए हैं जिन्होंने आकर केवल चरण छुआए हैं और गंगा के जल को पावन कर दिया। वो प्रभु के सुंदर मुखड़े को निहार रहा है, सूरज के ऊपर से धूप पड़ रही है, गुरुदेव का सुंदर मुखड़ा चमक रहा है, प्रभु की ओर देखता जा रहा है। तो गुरुदेव की ओर देखते देख रहा है, प्रभु ने भी उसकी तरफ देखा, प्रभु ने उसको अपनी तरफ बुलाया और बड़े प्यार से इशारा किया, वो गया बड़े प्यार से। तो उसने श्री गुरु महाराज ने पूछा कि कौन हो आप, तो उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु मेरा नाम ये है। फिर गुरुदेव ने पूछा कि यहाँ पर कितने साल से हो, क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं साधु हूँ और मैं यहाँ पर 15 साल से गंगा के किनारे मैं बैठकर यहाँ पर भजन करता हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ। मानो उसकी तपस्या का फल देने के लिए भगवान आए हो, क्योंकि उसने जो इतना तप करता है, आज भगवान वो देख रहा है कि जैसे मानो साक्षात भगवान नारायण, जिनका मैं जाप करता रहता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आज मेरे सामने साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, प्रभु के सुंदर मुखड़े को देखता है। तो प्रभु के आगे उसने, प्रभु ने फिर पूछा, गुरुदेव ने पूछा कि 15 साल से हरिद्वार में रहते हो, कभी हरि के दर्शन हुए? हाथ जुड़ गए, नेत्रों में आंसू भराए, विनती करता है, गुरुदेव हे प्रभु, 15 सालों से नहीं हुए थे, लेकिन आज आपकी सुंदर मुखड़े को देखकर, इस प्यारी नूरानी छटा को देखकर, मुझे यकीन हो चला है कि आज मैं अपनी आंखों के आगे भगवान नारायण को देख रहा हूं। कहकर उसने दंडवत वंदना कर दी गुरुदेव के आगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु ने उसको बड़ा प्यार दिया, बहुत प्रसाद दिया, प्यार दिया। और ये अकेले, मजे की बात यह है कि अधिकतर समय में गुरुदेव के आसपास में संत जन होते हैं, वो हम लोगों को मौका कहाँ मिलता है इतने प्यार से प्रभु के दीदार करने का, लेकिन संत जन सारे के सारे स्नान करने के लिए गए हुए हैं और पीछे से इनके भाग्य जगाने के लिए मेरे प्रभु कोने पर विराजमान है। तो उस समय मानो उस गंगा का वो तट जो है वो वैकुंठ धाम बन चुका था। प्रभु ने खूब अपने प्रेमी को निहाल किया, उसके मन की सारी तड़प पूरी करी। उसके बाद संत जन जो है स्नान करके आ गए, ये सारी लीला फिर उन्होंने देखी तो बड़ा मुस्कुराए सारे, सभी ने गुरुदेव के जयकारे बोले। वो पंडित जी ने भी, वो जो खड़े थे वहां पर जो वो थे, उन्होंने भी खूब जयकारे बोले। उन्होंने कहा कि मैं धन्य धन्य हो गया आपके दीदार करके, प्रभु के दीदार करके। उसके बाद प्रभु वहां से थोड़ा आगे बढ़े, स्नान कर लिया था सभी ने इन्होंने। उसके बाद अब वहां पर एक और बड़ी मजे की चीज क्या होती है, अगर आपने वहां पर देखा हो, छोटी छोटी सी गंगा मैया के तट पर वहां पर छोटी छोटी सी दुकानें सी बनी हुई हैं जिसमें पूजा की सामग्री वगैरह मिलती है। हम भी गए तो हमने भी देखा, वो छोटी छोटी दुकानें सी बनी हुई हैं। तो उसमें उन्होंने देखा कि कई तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं वहां पर, तो वो और साथ में जो है पूजा का सामग्री रखी हुई है, फूल वगैरह और धूप बत्ती और जब चीजें जो है माला वाला, ये सब चीजें रखी हुई हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी, उन्होंने एक बड़ी मजे की चीज वहां पर क्या देखी कि जितनी भी वहां पर मूर्तें, वो मतलब मंदिर टाइप वो जो बने हुए हैं, जो दुकानें टाइप बनी हुई हैं, वो उन सब में बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी हैं, भगवान शिव की, गणेश जी की, हनुमान जी की मूर्ति और साथ में गुरुदेव की खुद की मूर्ति भी रखी हुई है। बड़े हैरान हुए प्रभु, ऐसे अपने हैरान क्या हुए, मतलब कुल मालिक हैं, परमेश्वर हैं, सब जानते हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य उन्होंने बाहरी रूप से जताया। प्रभु फरमाते हैं ये साड़ी मूर्त रखी हुई है, पंजाबी में बोलते हैं कभी बड़े प्यार से, ये तो हमारी मूर्त रखी हुई है। तो अब उनको जताया नहीं, प्रभु ने अपने आसपास में जो संत जन थे उनके ओर इशारा किया कि आपने कुछ बोलना नहीं है। तो सब चुपचाप देख रहे हैं। तो दुकानदार जो था, जिसने मूर्त रखी हुई थी, उससे गुरुदेव ने जाकर पूछा कि तूने ये मूर्त किसकी रखी हुई है, ये किसकी मूर्त है?
क्योंकि बाकी सब तो पहचान में आ रहे हैं, देवी देवता शिव जी हैं, गणेश जी हैं, माता जी की मूर्त है, सबकी मूर्त सब पहचान में आ रही है, ये मूर्त किन की है। उन्होंने कहा कि ये ना एक गुरु महाराज की मूर्त है, ये गुरु महाराज की मूर्त है, अब उन्हीं की मूर्त जिनकी वो जो सामने खड़े हैं प्रभु, उन्हीं की मूर्त रखी हुई है प्रभु, खूब मुस्कुरा रहे हैं। कहते फरमाया गुरुदेव ने कि हम ऐसा ऐसा करोगे आप, ये मूर्त हमें दे दोगे? गुरु उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं मूर्त क्यों दे दूंगा आपको? तो गुरुदेव ने कहा कि मूर्त तो कहीं और से ले ली, उसमें क्या है? उसने कहा नहीं नहीं मैम, ये मूर्त तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, और कोई लेने तो ले लो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। गुरुदेव ने पूछा कि इस मूर्त में ऐसी क्या खास बात है? तो गुरुदेव ने कहा कि हम तेरे को 500 रुपए देते हैं। हाँ, ये भी गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम 500 रुपए तुझे देते हैं और तुम ये मूर्त हमें दे दो। तो उसने कहा कि मैं, आप मुझे 500 रुपए दो या 5000 दो, मैं मूर्त नहीं आपको दे सकता। गुरुदेव ने पूछा ऐसी क्या बात है इस मूर्त में? उन्होंने कहा प्रभु आपको मैं क्या बताऊं, बाकी मूर्तों के आगे लोग एक एक दो दो रुपया कोई मत्था टेकता है या 10 पैसे 20 पैसे ऐसे मत्था लोग टेकते हैं, इस मूर्त के आगे 10 रुपए से कम तो कोई मत्था ही नहीं टेकता। इस मूर्त के कारण तो मेरा गुजारा होता है। प्रभु बड़ा मुस्कुराए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज बड़ा मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिया। अब वो व्यक्ति देख रहा है कि ये मूर्त और ये सामने जो खड़े हैं वो पहचानने की, उसकी जिसके ऊपर गुरु महाराज जी ने पर्दा डाल दिया वो कैसे पहचान सकता है? कहते सो जाने जिस देहो जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो भी प्रभु को साकार देख रहा है लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। चलो फिर भी हम सभी उसे महाभाग्यशाली गिनते हैं कि फिर भी प्रभु के सुंदर दीदार उसे हुए। श्री गुरु महाराज ने वहां पर ये सारी लीला रचाई। और उसके बाद मेरे कहने का मकसद ये प्रेमियों कि यही मूर्त हमने भी तो अपने घरों में रखी हुई है, यही मूर्त हम लोगों ने भी तो अपनी दुकान वगैरह पर लोग रखते हैं, अपने बिजनेस में उस जगह पर लोग रखते हैं। जब इनकी पावन मूर्त रखने से उस व्यक्ति का जो उनको जानता नहीं है, जो उनको जानता नहीं है, जो पहचानता नहीं है, जो उनकी कोई पूजा नहीं करता, उनको किसी भी ढंग से मतलब उनको उनको समझ भी नहीं है, उसके भी घर का गुजारा केवल गुरु महाराज जी की मूर्त के कारण हो सकता है। हम अगर अपने काम काज में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस वाली जगह पर भी हम गुरु महाराज जी को विराजमान करते हैं ना, अगर हम उनको वहां विराजमान करते हैं, क्या हमारा गुजारा नहीं होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। कहते जिथे सतगुरु चरण छुआंदे, भूत प्रेत ओथों नस जांदे। जिस जगह पर मेरे गुरुदेव चरण छुआते हैं ना, उस जगह से भूत प्रेत यानी सारी नकारात्मक शक्तियां वहां से भाग जाती हैं। फिर कहते हैं लक्ष्मी डेरे लाए मेहरा हो गईया, सतगुरु मेरे आए मेहरा हो गई है। इसका मतलब ये लक्ष्मी डेरे लाए माने वहां पर सुख संपदा की जो देवी है महालक्ष्मी, तो मात लक्ष्मी वहां पर अपना डेरा जमा लेती हैं जिस जगह पर सतगुरु का आगमन होता है। सतगुरु के चरण कमलों को छूकर सब स्थान पवित्र होते हैं। उनकी मूर्त जिस जगह पर आकर विराजमान हो जाए वहां पर लोगों के गुजारे क्यों नहीं चलेंगे, खूब आनंद आएगा। गुरु महाराज जी की ऐसे ही दया हम सब पर बनी रहे। और जो भी अभी हमें गुरु महाराज जी के घर से प्रेम पूर्वक उनकी श्री आरती पूजा किया करें, उनकी मूर्त में ये माने कि यहाँ पर साक्षात परब्रह्म परमात्मा विराजमान है, गुरु महाराज विराजमान है, और खूब प्यार से उनकी प्यारी मूर्त के दर्शन दीदार करें, उनकी सेवा करें और अपने 5 नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।